आम लोगों के बीच ऋषि सुनक काफी पसंद किए जाते हैं और उनके काम की अक्सर तारीफ होती रही है। 2020 में ब्रिटेन के एक प्राइवेट कंपनी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें 60% लोगों ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया था। तो आइए देखते हैं कि ऋषि के शिखर पर पहुंचने की कहानी क्या है। ब्रिटेन की राजनीति में आए हुए ऋषि सुनक को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। वो पहली बार 2015 में ब्रिटेन की संसद में पहुंचे थे और यॉर्कशायर के रिचमंड से जीत हासिल की थी। लेकिन सुनक ने जब ब्रेग्जिट का समर्थन किया तो उनकी गिनती अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होने लगी। यूके के सबसे अमीर सांसदों में शामिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री टेरिजा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर का पद भी संभाला है। इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। अगर ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2015 में पहली बार सांसद बने, 2017 में दूसरी बार संसद पहुंचे, 2018 में थेरेसा मे सरकार में मंत्री बने, 2019 में तीसरी बार सांसद चुने गए। उसी साल बोरिस जॉनसन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। पिछले महीने पीएम का चुनाव लड़े लेकिन लिज ट्रस से हार गए, लेकिन इस बार उस हार की उन्होंने भरपाई कर ली। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई भी की है, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया और ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ा। इसके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड से एमबीए भी किया। इस दौरान वे यूनिवर्सिटी में स्कॉलर भी थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया और बाद में हेज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए। करियर के शुरुआती दिनों में जब ऋषि राजनीति में नहीं आए थे तब उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी की खासियत ये थी कि ये ब्रिटेन में छोटे स्तर के कारोबारों में निवेश के लिए काफी सहायक थी। ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में जिस ऋषि सुनक की इतनी चर्चा हो रही है, आइए उनका भारत से कनेक्शन भी देख लेते हैं। सुनक का जन्म 12 मई 1980 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका जाकर बस गए थे। सुनक के पिता अफ्रीका से ब्रिटेन चले आए। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए थे और माँ तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही उनके माता पिता की शादी हुई। ऋषि सुनक की पत्नी मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति हैं। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है लेकिन वो माता पिता के मूल को नहीं भूले हैं। हिंदू आस्था उनके भीतर कूट कूट कर भरी है। चाहे जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर जाना हो या फिर दिवाली पर दिए जलाना हो, वो इन त्योहारों का आनंद लेना नहीं भूलते। यही नहीं, ऋषि सुनक जब 2015 में पहली बार सांसद बने थे तब उन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसे में ब्रिटेन ही नहीं भारत के लोगों को भी उस घड़ी का इंतजार है जब ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।